राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति पर एससी एसटी एक्ट लगा हुआ है, साथ ही साथ आईपीसी की भी मुकदमा होंगी जरूर, यानी आईपीसी के तहत भी मुकदमा दर्ज होगा, तो जमानत कितने दिन के भीतर मिल जाएगी, जमानत कितने दिन के भीतर मिल जाएगी। देखिए, लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। एक लोगों की ये भी समस्या है, सर आप एससी एसटी एक्ट पे क्यों वीडियो बनाते हैं, ये उनको भी कुछ लोगों को समस्या है। अरे भाई, मैं एससी एसटी एक्ट का जानकार हूँ, एससी एसटी एक्ट पे वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नहीं जानकारी होती मैं नहीं बना पाता। तो कुछ लोग कह रहे मतलब और पे वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं, भाई और भी विषयों पे वीडियो है, ऐसा थोड़ो ना कि नहीं, लेकिन जिस चीज की आवश्यकता ज्यादा है समाज में उस पर ज्यादा काम किया जाएगा, और भी विषयों पे वीडियो बनाए जा रहे हैं, ऐसा थोड़ो ना कि नहीं बनाया जा रहा। आप देखिए तो चैनल पे आपको और भी विषयों की जानकारी वहां दी जा रही है। आपको लगता है किसी विषय पे नहीं बनाया गया है, आप उस विषय पे जानकारी लेने के लिए इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको बता दिया जाएगा। खैर, चाहे किसी व्यक्ति पे एससी एसटी एक्ट लगा हुआ हो, चाहे पॉक्सो एक्ट लगा हुआ हो, या आईपीसी केवल लगी हुई हो, या आईपीसी के साथ पॉक्सो एससी एसटी एक्ट दोनों लगा हुआ हो, इससे मतलब नहीं। बेल कितने दिन के भीतर मिलेगी, एक बात मैं आपको बता दूं कि कहीं भी किसी भी कानून में यह स्पष्ट तौर से बहुत नहीं लिखा हुआ कि बेल एप्लीकेशन फाइल होगी तो उसमें बेल कितने दिन के भीतर मिल जाएगा। बेल एप्लीकेशन होता क्या है कि जब हम अदालत में फाइल करते हैं तो सुनवाई में फिर वो डेट लगती है, फिर डेट पे उसकी सुनवाई होती है, पता चला उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई थी, फिर से अगली डेट लग जाएगी, पता चला उस दिन बाइकाट हो गया, अदालत नहीं बैठी, जज साहब नहीं आए, कोई दिक्कत हो गई, कोई छुट्टी पड़ गया, बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई डिले हो जाता है। तो अपराध कोई भी हो, आप ये नहीं कह सकते कि आज बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे आज ही आपको बेल मिल जाएगी। आज आपने बेल एप्लीकेशन फाइल की, जो डेट लगी सुनवाई की, उस डेट में सुनवाई चल गई, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको उस दिन बेल मिल जाए। हाँ, अमूमन ये होता है कि आप अगर बेल एप्लीकेशन फाइल किए हैं तो जो उस पर डेट लगी है लोअर कोर्ट पर, उसी डेट पर सुनवाई हो जाती है, और सुनवाई होने के बाद आपकी जमानत को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है, अपनी जमानत की एप्लीकेशन। अगर एक्सेप्ट कर लिया गया तो मान लीजिए आप शाम तक बाहर आ जाएंगे, अगर किसी कारणवश प्रक्रिया पूरी करने में देरी हो गई, उस दिन नहीं प्रक्रिया पूरी हो पाई, तो एक दिन दो दिन आपको और जेल रहना पड़ सकता है, और अगले दिन अगर कहीं छुट्टी पड़ रही है तो फिर दो चार दिन के लिए आप रह सकते हैं। फिलहाल अगर बेल हो गई है तो दो चार दिन भले ही लेट से ही, लेकिन आप आ जाएंगे बाहर। बात रही हाईकोर्ट, अगर हाईकोर्ट में आप बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो हाईकोर्ट में देखिए पूरे स्टेट का मैटर जाता है, और कुछ तो ऐसे हाईकोर्ट हैं जो दूसरे हाईकोर्ट राज्यों की भी जिम्मेदारी ली हुई है, तो वहां पे बहुत सारे काम की बात है, वहां पे डेट लगने में महीनों लग जाते और सुनवाई उस दिन हो पाए, फाइल आ पाए कोर्ट तक, ये भी जरूरी नहीं है। कोर्ट में मतलब 50 फाइलों के दिन सुनाई होगी, 50 आई, जज साहब सुनते सुनते उसमें जो है 30-40 फाइल तक पहुंचे, लास्ट के 10 फाइल समय ओवर हो गया, नहीं सुन पाए, तो अब जो अगली डेट फिर लगेगी उस डेट में सुनवाई होगी, तो ये भी रीजन होते हैं। हाँ, एक बात मैं जरूर बता दूं, आप जितनी मजबूती से जितने अच्छे से पैरवी करेंगे उतनी जल्दी आपके मामले की सुनवाई होगी और आपको त्वरित न्याय उसमें मिलेगा। अगर आप सुनवाई या पैरवी सही से नहीं कर पा रहे, ठीक है, अधिवक्ता की फीस नहीं जमा कर रहे, कागज नहीं पूरा लगा रहे, हिला हवाली कर रहे हैं, गलत कागज लगा देते हैं, तो फिर टाइम तो लगेगा। तो कम से कम आप अपनी तरफ से गलती ना करें, बेल एप्लीकेशन फाइल करें। हर धाराओं का बेल एप्लीकेशन का अपना अलग अलग नियम है। बेल एप्लीकेशन आपको लोअर कोर्ट में ही फाइल करना पड़ेगा जिस कोर्ट में मुकदमा गया है। एससी एसटी एक्ट का मामला है तो एससी एसटी एक्ट में, एससी एसटी जो कोर्ट जुड़ा हुआ है स्पेशल कोर्ट, उसमें पॉक्सो से जुड़ा हुआ मामला है तो पॉक्सो कोर्ट में चल रहा है, तो पॉक्सो कोर्ट में आपको फाइल करना पड़ेगा। और मामला अगर कोई गंभीर प्रकृति का नहीं है तो मान के लिए बहुत जल्दी ही आपको बेल मिल जाएगी, लेकिन अगर गंभीर प्रकृति का अपराध है, मैंने यहाँ बहुत सारी धाराओं को मेंशन किया है, आप देख लीजिएगा आपका जो भी मामला होगा इसमें से समझ लीजिएगा। अगर गंभीर प्रकृति का अपराध है, गंभीर प्रकृति का अपराध में क्या है, इसमें मर्डर आपने किया, अपराधी मानवध किया है, हत्या का प्रयास किया, अपराधी मानवध का प्रयास किया है,
बच्चों को आपने आत्महत्या करने के लिए उकसाया, उम्र दराजों को आत्महत्या करने के लिए उकसाया, उपेक्षा पूर्ण तरीके से मृत्यु कारित किया, किसी को काट पीट डाला, सरवरा खो डाला है समाज से, राड से, चाकू से, धंधे से लूट किया, डकैती का अपराध किया, रेप के अपराध किए हैं आपने, छेड़खानी के अपराध किए हैं, तो ऐसे अपराधों में सेम डे बेल की उम्मीद ना करें कि आपको सेम डे बेल मिल जाएगा। ऐसे अपराधों में बेल आपके खारिज होंगे और आप जाएंगे जेल, उसके बाद आपको बेल मिलेगा। ये बात सही है कि बहुत सारे लोगों को निर्दोष तरीके से फंसाया गया है, उनका कोई कसूर नहीं है। तो अगर आपका कोई कसूर नहीं है और आप निर्दोष तरीके से न्यायिक कार्रवाई में फंसते हैं, आप परेशान होते हैं, आपका शारीरिक मानसिक आर्थिक सांपत्तिक तौर से नुकसान होता है, तो बाद में आप निकलने के बाद उसकी भरपाई की मांग कर सकते हैं, कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि जो समय आपका बर्बाद हो गया उसकी भरपाई तो इस धरती पे कोई नहीं कर पाएगा, और इसमें कहीं ना कहीं दोष सरकार का भी है कि सरकार को ऐसी कार्रवाइयों में जो विलम्ब होता है उसको तत्काल प्रभाव से विलम्ब को दूर करना चाहिए, जो भी उसके पीछे के कारक हैं उन पर चर्चा करके उनका निदान करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई भी लीगल इन्फॉर्मेशन लेना है तो नंबर यहाँ लिखित दिया गया है, आप इस नंबर पर संपर्क करके अपने सुविधानुसार किसी भी विषय पर जानकारी ले सकते हैं, उसकी जो रीजनेबल फीस है वो आपको जमा करें।